अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज हम बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम सामान से, घर के रखे हुए सामान से हम बहुत ही अच्छा, टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाएंगे, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और इसे आप बच्चों को टिफ़िन में रख के दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये स्नैक आप छोटी मोटी पार्टी में भी बना सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो भी ये आप बना सकते हैं। जल्दी से बन जाता है 10 मिनट में, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चम्मच तेल ले लिया है। तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे एक चम्मच ज़ीरा और एक चम्मच राई डाल देंगे हम उसमें। जब राई और ज़ीरा तड़कने लगे तो हम उसमें एक प्याज डाल देंगे, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और हम प्याज को चला देंगे। हमें प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यहाँ पर हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, बस यहाँ पर इसे इसका कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट से हो जाए प्याज, उतना ही हम इसे पकाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल देंगे, दो पिंच जितना हम इसे यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे, और क्वार्टर चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने घर के ही मसाले से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बनाया है, तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर हम एक दो सेकेंड के लिए इस तरह से मसाले को चला लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने 2 कप पानी लिया है। यहाँ पर हमें 1 कप सूजी लेनी है, तो 2 कप पानी लेंगे हम। जिस कटोरी से आप नाप लेंगे उसी कटोरी का डबल क्वांटिटी में आप पानी ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए पानी में बॉयल आ रहा है, तो इस वक्त हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, और यहाँ पर गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे, और सूजी इस तरह से एक हाथ से हम डालते रहेंगे और एक हाथ से इस तरह से चलाते जाएंगे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, और अच्छे से हम जब इसे मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरह से बहुत ही जल्दी ये दो फॉर्म में आ जाएगा, एकदम सूख जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया है, बस इसे हम 1 मिनट के लिए और इस तरह से लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये हमारा डो तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बॉल में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, तो थोड़ा ठंडा हो चुका है, आधा ठंडा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 आलू, जिसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है, और यहाँ पर बहुत सारा हरा धनिया हम डाल देंगे। तो हरे धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है इसकी वजह से। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ये जो बैटर है थोड़ा सा गर्म है, यहाँ गर्म रहना चाहिए बैटर, तो गर्म गर्म ही हम इसे गूंद लेंगे। ये इतना गर्म हो कि हम यहाँ पर अच्छे से इसे गूंद सके, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेना है, गूंद लेना है। अब यहाँ पर हम कुरकुरा नाश्ता करने के लिए 2 चम्मच यहाँ पर चावल का आटा मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर चावल का आटा मिक्स किया है। इस तरह से जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा डो में, तो ये राइस फ्लोर की वजह से ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा हो गया, मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है, ये इस तरह का हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें से थोड़ा सा पोर्शन उठा लूँगी हाथ में, और इसे हाथों से ही मैंने टाइट कर लिया है थोड़ा सा हाथों में दबाकर। अब इसे मैं इस तरह से रोल करूँगी बोर्ड पर रखकर। यहाँ पर हमें पतला सा रोल बनाना है, तो देखिए इतना पतला रोल बनाना है हमें, 1 इंच की गैप पर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसके राउंड शेप भी कर सकते हैं, राउंड शेप बनाकर गोली बना ले और इसे फ्राई कर ले। तो मैंने इस तरह से लिया, इस तरह से हम करेंगे तो बहुत ही कम वक्त में हो जाएगा ये, और सब एक जैसे बनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से हम इसकी जो साइड्स है इसको अच्छे से हम प्लेन कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे कर लेंगे, बहुत ही जल्दी हो जाता है। देखिए ये बहुत ही कम वक्त में इतना सारा मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर हम तेल को तेज़ गर्म कर लेंगे, और इसमें हम 1-1 अपने जो पीसेस हैं इसको ड्रॉप कर लेंगे इसमें।
यहाँ पे हम अपने नाश्ते को इतना ही ऐड करेंगे जितना कि इसमें आ सकता है और हम इसे अच्छे से चला सकते हैं। तो पहले हम इसे कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए हमें इसे इसी तरह से पकने देना है, बिल्कुल भी हम इसे कुछ नहीं करेंगे। जब इसमें थोड़ा सा आपको कलर नज़र आने लगे तो आप इसमें चम्मच से इसे स्टर करेंगे, चलाएंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, बस उलट पलट करते रहेंगे। बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छा सा कलर आ जाता है, इसमें गोल्डन कलर देखिए आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छा कलर इसमें सुनहरा आ चुका है और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन गए हैं। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है और हमारे जो बचे हुए सारे स्नैक हैं हम सारे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारे स्नैक्स फ्राई कर लिए, यहाँ पर हमने 3 बैचेस में अपने स्नैक्स को फ्राई किया है। हम इसे सर्व करेंगे टोमेटो सॉस के साथ, क्योंकि हमने ये बच्चों के लिए बनाया है तो बच्चे टोमेटो सॉस के साथ बहुत ही इंजॉय करेंगे इसे। गार्निश के लिए मैंने ऊपर से हरा धनिया काट कर डाल दिया है। तो देखिए हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता तैयार है, 10 मिनट में बनने वाला नाश्ता, ये सबको बेहद पसंद आएगा। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी रख कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।